हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिवानी पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्चेंडाइजिंग टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज फैशन मर्चेंडाइजिंग। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और मेरा टॉपिक है फैशन मर्चेंडाइजिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है और इसके क्या काम होते हैं, आप मर्चेंडाइजर कैसे बन सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। गाइज, मैं जो आज बताने जा रही हूँ मर्चेंडाइजिंग पर, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं मैंने कहाँ पर गलती करी है समझाने में, और मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताना, मैं वो करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ फैशन मर्चेंडाइजिंग की। फैशन मर्चेंडाइजिंग आखिर है क्या? देखिए, कपड़ों की बिक्री का प्रचार है फैशन मर्चेंडाइजिंग, और डिज़ाइनर से उपभोक्ता तक कपड़ों की श्रृंखला का अनुसरण करता है मर्चेंडाइजर। एक फैशन मर्चेंडाइजिंग जॉब में आपका काम अपने ग्राहकों के लिए फैशन को भरोसेमंद बनाना होता है, फैशन के रुझानों पर शोध करना और भविष्यवाणी करना, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ निर्देशन और बातचीत करना, डिज़ाइन योजना और बिक्री टीमों के साथ काम करना फैशन मर्चेंडाइजर का काम होता है। मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे एक शॉप है और हम उसमें ग्लास की बोटल्स होती हैं, कंटेनर होता है, उसके अंदर हम टॉफीज़ वगैरह रखते हैं। जैसे कि कोई भी छोटा सा बच्चा आता है तो वो टॉफ़ी देखकर उस टॉफ़ी के बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे मांगने की ज़िद करने लगता है, और वो टॉफ़ी वो लेकर ही छोड़ता है। तो यही काम होता है एक मर्चेंडाइज़र का भी। एक मर्चेंडाइज़र का काम भी कुछ इसी तरीके का होता है, वो अपने कंज्यूमर को अपनी डिज़ाइन की तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें लेने के लिए अच्छे से मजबूर कर देता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग की। तो दोस्तों, वैसे तो इसमें दो तरह के ही मर्चेंडाइजर होते हैं, एक होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग और एक होता है अपेरल, बट जो एक थर्ड होता है वो फैशन मर्चेंडाइजिंग, इन दोनों का ही कॉम्बी होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजुअल मर्चेंडाइजर की। विजुअल मर्चेंडाइजर बेसिकली ऐसा होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था पीछे, कि एक स्टोर होती है, एक रिटेलर की स्टोर या फिर कोई शोरूम होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा मिरर्स लगे होते हैं, ग्लासेस लगे होते हैं, ताकि हमें उनके डिज़ाइंस बाहर से ही शो हो जाएं और हम उन डिज़ाइंस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर अंदर शॉप में जाकर विजिट करते हैं, देखते हैं, अगर हमें पसंद आता है तो हम उन्हें बाय कर लेते हैं। तो मर्चेंडाइजर क्या करता है कि वहाँ पर जो डमीज़ वगैरह होती हैं अच्छे से उन्हें डेकोरेट करता है, वहाँ की डेकोरेशन इस तरह से करता है कि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब बात करते हैं सेकंड, यानी कि अपैरल मर्चेंडाइजर के बारे में। देखिए, अपैरल मर्चेंडाइजर का काम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, वो बायर और एक्सपोर्टर दोनों के ही बीच में काम करता है, कम्युनिकेशन करता है, ऑर्डर्स बनवाता है, सैंपल्स बनवाता है, उन्हें पास कराता है, और अगर उसमें कुछ गलती होती है तो वो उन्हें चेक करके ठीक भी करवाता है। चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, किताबी बातों से आपको शायद अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए मैं एक मर्चेंडाइज़र हूँ और आप बायर हैं, बायर यानी कि आप मेरे कस्टमर हैं। मर्चेंडाइज़र का काम होता है कि अपने कस्टमर से उनकी डिज़ाइन को लेना, यानी कि उन्हें जिस टाइप का डिज़ाइन चाहिए होता है मैं उनसे वो डिज़ाइन लूँगी और उन्हें ऑर्डर, जैसे कि उन्हें टाइम पर कोई ऑर्डर चाहिए, 50 पीसेस का ऑर्डर उन्हें इस डेट को चाहिए, तो मैं उस डेट से पहले ही उन्हें देने की पूरी कोशिश करूँगी और उनका डिज़ाइन अच्छे से बने वो भी मैं ध्यान रखूँगी, फिनिशिंग से लेकर हर चीज़ का ध्यान मैं रखूँगी। जैसे कि मुझे मेरे कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया कि मुझे इस टाइप का गाउन चाहिए, तो मैं वो गाउन एक्सपोर्ट हाउस में जाऊँगी जहाँ से मैं डील करती हूँ, जहाँ की मैं मर्चेंडाइज़र हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट हाउस में जाऊँगी और वहाँ पर जाकर मैं उन्हें एक सैंपल रेडी करने के लिए दूंगी जो मेरे कस्टमर ने मुझसे डिमांड की है। तो मैं वो उन्हें गाउन दिखाऊंगी और वो उस हिसाब से एक छोटा सा सैंपल बनाकर पहले मुझे दिखाएंगे, और अगर मुझे वो सैंपल कुछ भी गलत लगता है उसमें मेरे हिसाब से, तो मैं वो सैंपल में पहले कुछ ठीक कराऊंगी, और अगर मेरे हिसाब से वो ठीक लगता है कि आप भी गाउन बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरे कस्टमर ने मुझे बोला था, तो मैं वो सैंपल लेकर अपने कस्टमर के पास जाऊंगी और वहाँ उनसे उनके डिटेल मांगूंगी कि क्या ये गाउन बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे आपने बोला था, और अगर वो उस सैंपल को पास कर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो पास नहीं करते हैं, उसमें कुछ और मिस्टेक्स होती हैं,
तो वो मुझे वहीं पर बताएंगे कि आपने इसमें ये गलती की है, यहाँ पर ये नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो मैं उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो वो सैंपल मैं अपनी कंपनी में दूंगी, अगर मुझे इसमें कुछ मिस्टेक लगती है मैं उन्हें समझाऊंगी और उन्हें एक दूसरा सैंपल रेडी करने के लिए बोलूंगी। वो एक नया सैंपल रेडी करेंगे और उस सैंपल को जाकर फिर मैं पास कराऊंगी। सैंपल की कटिंग, स्टिचिंग, फैब्रिक डिटेल, फैब्रिक किस टाइप का है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है एक अपैरल मर्चेंडाइजर। कोई गाउन बना है, कोई ड्रेस बनी है, उसकी फिनिशिंग किस तरीके से हुई है, हुई भी है या नहीं हुई है, इसका ध्यान रखता है एक अपैरल मर्चेंडाइजर। अपैरल मर्चेंडाइजर का काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, साथ ही साथ इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्टर की तरफ से भी, बायर की तरफ से भी। बाकी जो डिटेल्स हैं अपैरल मर्चेंडाइजर और विजुअल मर्चेंडाइजर की जो स्किल्स चाहिए होती है वो क्या है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। बात कर लेते हैं फैशन मर्चेंट डिज़ाइनर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैशन मर्चेंट डिज़ाइनर विजुअल और अपैरल का मिक्स कॉम्बी है। थोड़ी सी डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं। फैशन मर्चेंडाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ सेल्स बाय प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट टू द राइट मार्केट एट द प्रॉपर टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रमोट करता है सेल्स को और मार्केट में किस टाइम पर, कैसे रेट पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जा रहा है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है अपैरल और विजुअल मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर्स दो तरह के होते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजर और फैशन मर्चेंडाइजर, जिसे हम अपैरल मर्चेंडाइजर भी बोलते हैं। इन दोनों का ही काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। चलिए बिना देरी के बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन की। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, और आप इसमें ये कोर्स कर सकते हो बैचलर डिग्री इन फैशन मर्चेंडाइजिंग। इस कोर्स के अंदर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, एक मर्चेंडाइजर का क्या काम होता है, मर्चेंडाइजर कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, अगर नहीं होती हैं तो वो स्किल्स उन्हें सिखाई जाती हैं, उसके बाद एक बनकर तैयार होता है एक फैशन मर्चेंडाइजर। सबसे खास बात, मर्चेंडाइजर को कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि एक छोटी सी बेकार सी चीज़ भी वो सामने वाले कस्टमर को सेल कर दे। इस बैचलर डिग्री कोर्स के अंदर आपको जो टॉपिक्स समझाए जाएंगे वो हैं फैशन रिटेलिंग, फैशन मार्केटिंग, टेक्सटाइल, मर्चेंडाइज बाइंग प्रोसीजर, फैशन मर्चेंडाइजिंग कॉन्सेप्ट, प्रेडिक्टिंग फैशन ट्रेंड्स, ये होता है कि किसी चीज़ को फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना। फैशन रिटेलिंग यानी कि एक रिटेलर की शॉप होगी, वहाँ पर आपको किस तरीके से मर्चेंडाइजर बनना है, उसका काम क्या होता है वो आपको सिखाया जाएगा। फैशन मार्केटिंग यानी कि फैशन की मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, आप किसी चीज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हो वो सिखाया जाएगा। टेक्सटाइल में आपको सिखाया जाएगा, फैब्रिक की नॉलेज दी जाएगी, फैब्रिक कौन सा है, किस टाइप का है, किस वीविंग से बना है, वो सारी नॉलेज इसमें आपको दी जाएगी। मर्चेंडाइजिंग बाइंग प्रोसीजर यानी कि मर्चेंडाइजर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करता है वो सब इसमें सिखाया जाएगा। प्रेडिक्टिंग फैशन ट्रेंड्स, प्रेडिक्टिंग वो होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को अज्यूम करते हो कि पहले पास्ट में वो इस तरीके से प्रेजेंट हुआ था, प्रेजेंट में वो इस तरीके से हो रहा है, और फ्यूचर में वो दोनों का मिक्स करके इस तरह से प्रेजेंट होगा, उसे बोलते हैं प्रेडिक्ट करना यानी कि फोरकास्ट करना। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लड़कियाँ सीरियल देखती होंगी और उसमें आपको पता होता है कि यार पहले भी ये मर चुका होता है, वो बाद में ज़िंदा होकर आ जाता है, और वो अब फिर से मरने वाला है, तो फ्यूचर में वो ज़िंदा होकर वापस आएगा ही आएगा, तो ये होता है बस प्रेडिक्ट करना, पास्ट को ही सजा धजा कर वो फ्यूचर में प्रेजेंट कर देते हैं बस। चलिए अब बात कर लेते हैं मर्चेंडाइजर की स्किल्स के बारे में। फोरकास्टिंग एबिलिटी, ये मैंने आपको अभी समझाया था, जैसे कि फोरकास्ट करना, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि पास्ट में होते थे शरारा टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाले होते थे, उन्हें हम शरारा बोलते थे, बट प्रेजेंट में अब वो आकर थोड़े से प्लाजो हो गए हैं, प्लाजो टाइप यानी कि कम घेर होते हैं उनमें, और हम इन्हीं दोनों चीज़ों को एज्यूम करके फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी कि प्लाजो और शरारा मिलाकर हम कोई न्यू ड्रेस बना सकते हैं, न्यू चीज़ हम लेकर आ सकते हैं मार्केट के अंदर। यही होता है बस फोरकास्टिंग करना, किसी दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बना देना। एनालिटिकल एबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है होना, इसके अंदर गुड सेंस ऑफ स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है एक मर्चेंडाइजिंग के अंदर। मर्चेंडाइजर को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कपड़ों से लेकर स्टिचिंग करने तक की भी। एनालाइज करना आना चाहिए फैशन को, यानी कि वो हर चीज़ देखें जिसमें फैशन से जुड़ी हुई चीज़ें इंक्लूड हो, जैसे कि चाहे वो कोई फैशन शो हो या फिर कुछ प्रोग्राम हो जिसमें ड्रेसेस को दिखाया जा रहा हो, प्रेजेंट करा जा रहा हो, वहाँ वो एनालाइज कर सकते हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं। मार्केट में जो चीज़ नई चल रही हो या जो पुरानी बंद हो गई है, वो किस वजह से बंद हुई थी, वो चीज़ भी
एनालाइज करता है एक मर्चेंडाइजर। बेसिकली क्या होता है कि किस रेट पर कौन सी चीज़ कितने दाम पर कहाँ बिक रही है, ये चीज़ मर्चेंडाइजर को अच्छे से पता होती है। वो चीज़ क्यों बंद हुई है, क्यों स्टार्ट हुई है, किस वजह से स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट करी है, पहले फोरकास्टिंग किसने की थी, वो सारी चीज़ एक मर्चेंडाइजर को पता होती है। मर्चेंडाइजर को एक बजट भी सेट करना होता है जिस वजह से वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उन्हें ले पाता है और उन्हें सही टाइम पर सही दाम पर उन्हें सेल करता है अपने कस्टमर्स को। बात करें अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो ये मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स तो आजकल हर कोर्स के अंदर ज़रूरी है और इस कोर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मर्चेंडाइजर बनना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को एक बेकार सी चीज़ भी हंसते हंसते सेल कर सको। चलिए बिना देर के बात कर लेते हैं अब इसकी कुछ ड्यूटीज़ की, एक मर्चेंडाइजर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो होता है कि वो हर फैशन शो को अटेंड करें। सेकंड, वो प्रिडिक्ट करे कि आज फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या चलेगा। थर्ड है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और अपने रिटेलर से या फिर अपने बायर से अच्छे से कॉन्टैक्ट रखे, कम्युनिकेट करें। फोर्थ है, वो काम करता है अपने डिज़ाइनर के साथ, प्लानिंग करता है और सेल्स के लिए भी वो काम करता है। जैसे कि वो एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रहा है तो वहाँ पर वो स्टिचिंग से लेकर फैब्रिक की डिटेल अच्छे से लेगा, तभी वो अपने कस्टमर को सेल कर पाएगा। और मैनेजिंग रिटेल आउटलेट्स, यानी कि वो जो रिटेल शॉप्स होती है वहाँ पर वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सेवन्थ है, क्रिएटिंग स्टोर डिस्प्लेस, यानी कि मैंने आपको बताया वो डेकोर करता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है, उसे टॉफी की कंटेनर उसे दिखती है तो वहाँ पर वो अट्रैक्ट होता है, वैसा ही ये सेम होता है। साथ ही साथ वो डायरेक्ट करता है फैशन फोटोशूट्स को। और 10th है, प्राइसिंग गारमेंट्स बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि वो अपनी गारमेंट्स को सही दाम पर बेचता है विद अच्छी क्वालिटी के साथ। 11th इज़ फाइंडिंग द बेस्ट प्राइजेस टू स्टे विद इन बजट, यानी कि मैंने आपको बताया वो एक अच्छे बजट में काम करता है, बेस्ट प्राइस ढूंढता है, जहाँ पर उसे अच्छे दाम पर एक अच्छी क्वालिटी मिल रही होती है वहीं वो काम करता है और उन चीज़ों को बाय करके एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करवाता है। डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि वो अपनी मार्केट को अच्छे से एडवर्टाइज करता है, मार्केटिंग करता है ताकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सके। एक मर्चेंडाइजर को अच्छी मार्केटिंग करना भी आना बहुत ज़रूरी है, अगर वो मार्केटिंग ही नहीं जानता होगा तो वो प्रोडक्ट सेल ही कैसे करेगा। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं फैशन मर्चेंडाइजर को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। पहला है असिस्टेंट बायर, यानी कि वो किसी बायर का असिस्टेंट बन सकता है। सेकंड है प्रोडक्ट लाइन मैनेजर। थर्ड इज़ विजुअल मर्चेंडाइजर। फोर्थ डिज़ाइन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, मार्केट रिसर्च ट्रेनी, स्टोर मैनेजर, शोरूम मैनेजर, मर्चेंडाइजिंग कोऑर्डिनेटर और मर्चेंडाइजर प्लानर। अगर आप एक मर्चेंडाइजर बनना चाहते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री कोर्स करना होगा। इसमें एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है 3 मंथ्स का और एक 1 ईयर का या फिर 6 मंथ्स का, ऐसा भी कुछ कोर्स होता है, वो आप देख सकते हो अपने आसपास के एरिया में सर्च करके। चलिए मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ मर्चेंडाइजर क्या होता है। मर्चेंडाइजर होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट में अगर काम करता है तो वहाँ की पूरी प्लानिंग देखता है, कितने प्रोडक्ट हैं, कैसे मैनेज करना है हर चीज़ को, कितने प्राइस पर कौन सी चीज़ कहाँ से वो ख़रीद सकता है, कैसे वो अपने कस्टमर से बात करता है, वहाँ से डील को लेता है और वो सैंपल तैयार कराता है एक्सपोर्ट हाउस में, वहाँ वो सैंपल पास करवाता है अपने कंज्यूमर को। अगर वो सैंपल पास कर देते हैं या फिर कुछ मिस्टेक होती है, वो वापस जाकर सैंपल दोबारा से बनवाता है और हर चीज़ देखता है फैब्रिक की क्वालिटी से लेकर फिनिशिंग तक। एक मर्चेंडाइजर को हर फैशन शो अटेंड करने चाहिए, फैशन की नॉलेज उसे अच्छे से होनी चाहिए, उसका फैशन सेंस अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसे एनालाइज करनी चाहिए हर चीज़, फोरकास्टिंग करनी आनी चाहिए। वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाएंगी अगर आप मर्चेंडाइजर बनना चाहते हो तो कोर्स कर सकते हो। कोर्स आप अच्छे अकेडमी से ही करें ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो एक मर्चेंडाइजर के अंदर होनी चाहिए या फिर मतलब जो भी मर्चेंडाइजर का काम होता है वो मैंने आपको सारा आई थिंक इस वीडियो के अंदर कवर करवा दिया है। और अगर आप मैंने कोई गलती की हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो मैंने कौन से मिस्टेक की है, क्या मैंने गलत बताया, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो अगर मुझसे कुछ रह गया होगा या मैंने कुछ गलत बोला होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस भी कर देना। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या पता एक वीडियो किसी के काम की हो और उन्हें नॉलेज मिल सके, मैं उनकी छोटी सी हेल्प कर सकूंगी अगर ये वीडियो उन तक पहुंच सकेगी। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टाटा, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।